ओलचिकी का जो विरोध है उसे किस तरीके से देखते हैं और संथाल समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण ये मुद्दा है? यह एक सोची समझी बहुत बड़ा साजिश है। यदि आपको आपत्ति है ओलचिकी से, ये भाई आप ओलचिकी मत करो ना, आप रोमन करो, आप देवनागरी में पढ़ो, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी का मुर्दाबाद बोल के आप रोम का आप प्रमोट करेंगे रोमन भाषा को, तो ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक अंश है। ये अपने आप को सोच रहा है ना, हम ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए तो बड़ा बुद्धिजीवी है। जो ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद ये लोग अपना हमको जो है, हम प्राकृतिक पुजारी लोग को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, और रोम का जो धर्म और रोम का जो भाषा, रोमन भाषा को ये लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। 342 का ये वॉलेशन हो रहा है, इनको पता ही नहीं है इसको। संविधान पढ़े, ये चीज़ आप स्कॉलर हो तो पढ़े आप लोग, दुमका के जो लोग विरोध कर रहे हैं संविधान बढ़िया से स्टडी कर ले, और नहीं तो सब लोग आप जो ना डीलिस्टिंग के लिस्ट में आएंगे, उस दिन आप लोग पछताएंगे और माँ बाप आप लोग को डांडा मारेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ संथाल समाज के जाने माने समाज सेवी और पढ़े लिखे युवा हैं कृष्णा हंसदा जी, और आप जो देख रहे हैं विवाद ओलचिकी को लेकर, कुछ लोगों ने जो सवाल उठाया है उसको लेकर, जो संथाल समाज है उसमें वो नाराजगी भी है, कि इसलिए कि आपको पता है कि ओलचिकी लिपि जो है वो संथाल समाज के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसका एक तरीके से इसे आविष्कार किया था, वो जन्म जाता है। और हम बात करेंगे कृष्णा हंसदा जी से कि आखिर इस पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है, आप लोग समाज को और संथाल समाज को अच्छी तरीके से जानते हैं, और ओलचिकी का जो विरोध है उसे किस तरीके से देखते हैं और संथाल समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण ये मुद्दा है? सबसे पहले नमस्कार सोशल संवाद के सभी दर्शकों को। आज जो आप पूछ रहे हैं उस हिसाब से मैं, ये जो आज जो विवाद उठ रहे हैं ओलचिकी लिपि का, संथाल परगना के कुछ, केवल दुमका के कुछ जिलों से, कुछ नहीं दुमका जिला से और कुछ एक क्षेत्र में, लिमिट क्षेत्र से, यह एक सोची समझी बहुत बड़ा साजिश है। मैं ऐसा मानता हूँ साजिश है, जो कि आज जो पॉलिटिकल और जो डिप्लोमेट जो होता है ना, ये बहुत दूर का चाल खेलते हैं, जो आदिवासी साधारणतः नहीं समझ पाते हैं, ये एक चाल फेंक दिए हैं, जाल है। और ये जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक अंश है, ताकि हम आदिवासी जो संथाल समुदाय एकजुट हो रहे हैं, हम लोग माझी परगना स्वशासन व्यवस्था के तहत हम लोग पूरे भारत के आदिवासियों को एक कर रहे हैं, उनको संगठित कर रहे हैं। इस संगठित करने की जो राह है, इसको रोड़ा अटकाने के लिए ये वाला एक फेंका गया है। मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ, और जो भी आज विरोध कर रहे हैं ये बेबुनियाद है इनका आरोप, क्योंकि आज ओलचिकी जो है पूरे वर्ल्ड में ये सबसे रिचेस्ट लैंग्वेज के रूप में चिन्हित है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेज जो ये जो आपका पीओ बोर्डिंग नाम का ये थे लेखक थे, उसने लिखा है, ये तो संविधान की किताब है। पीओ बोर्डिंग लिखे हैं 4 वॉल्यूम में डिक्शनरी संथाल टू इंग्लिश, आज तक 4 वॉल्यूम में कोई भी भाषा के डिक्शनरी नहीं बनी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो बोले थे ना, पीओ बोर्डिंग बोले हैं कि संथाल इज द मोस्ट रिचेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सबसे समृद्ध भाषा है। तब उसका लिपि कितना समृद्ध हो सकता है, कितना मैंने इसमें क्या बोले मिठास है, तो ये जो पढ़ेंगे उसी को समझ में आएगा। क्योंकि वो जो 4 वॉल्यूम का अर्थ मैं ये बता रहा हूँ कि अंग्रेजी में 77,000 वर्ड है, 77,000 वर्ड है, नहीं अंग्रेजी में 44,000 है, हिंदी में 77,000 है, और हमारे संथाल में 2,50,000 वर्ड है। अब इससे आप अंदाज़ा समझ सकते हैं कि हम यदि कोई भी चीज़ हम किसी भी भाषा में इतना अस्पष्टता लिख सकते हैं, किसी दूसरा भाषा में नहीं लिखा जा सकता है। तो संथाली लिपि का ये महत्व है कि आप जो चीज़ किसी भाषा में नहीं लिख सकते हैं, वो चीज़ आप भाषा में लिख सकते हैं संथाली। और अभी तो UPSC में भी ग्रांट किया हुआ, UPSC में भी आप लिख सकते हैं। अब तो संविधान में, मतलब 2003 में 22 दिसंबर को ये संविधान में ये इंक्लूड हो चुका है, और उसका फ़ायदा हम लोग को मिलेगा। और इनको क्या करना है, क्या करना चाहिए था, कि अभी ये लिपि का कोई मुद्दा नहीं है, ये भाई अभी रोजगार का बात करो, अभी
बिजनेस पेपर का बात करो, अभी आप जो जैसे कृषि का बात करो, आदिवासी कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकास करेगा, इस विषय पर आप हो हल्ला करते तो वो समझ में आता है। क्या लग रहा है, मुद्दों से भटकाने के लिए, तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए। आप देखिए ना, संविधान में अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ, 29 में, कि कोई भी व्यक्ति भारत का किसी भी भाषा में बोल सकता है और किसी भी लिपि में लिख सकता है, यही ना। अब इनको ये समझ में आना चाहिए कि भारत का संविधान इतने अच्छे बने हुए हैं, यदि आपको आपत्ति है ओलचिकी से, ये भाई आप ओलचिकी मत करो ना, आप इंग्लिश करो, आप रोमन करो, आप देवनागरी में पढ़ो, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन किसी का मुर्दाबाद बोल के आप अपना भाषा का, आप रोम का आप प्रमोट करेंगे रोमन भाषा को, तो ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी। अब मैं ऐसे पहली बार देख रहा हूँ, ये भाई बंगाली लोग अपना बांग्ला भाषा, बांग्ला लिपि के लिए कभी विरोध नहीं करेंगे, भले उसमें कोई त्रुटि रहेगा तो बात करेंगे, आपस में संवाद करेगा। लेकिन ये लोग जो स्पॉन्सर्ड आदमी है, दूसरी बात है ये कन्वर्टेड है, बड़ी बात है ये कन्वर्टेड है, मैंने धर्म से ये विस्थापित व्यक्ति है, विस्थापित सब जोड़ता हूँ, ये धर्म से विस्थापित है, ये आपका संस्कृति से विस्थापित है। तो ये यदि जो व्यक्ति विस्थापित हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं रहता है, तो ये संथाल का कुछ भी नहीं जानता है, ये हिंदी भाषा ये डोमिनेटेड है और हिंदी भाषा प्रयोग में लाता है, तब हिंदी भाषा यदि प्रयोग में लाते हैं, जब भी लिखते हैं कुछ भी करते हैं देवनागरी में, तो अस्पष्टता नहीं आता है उसमें, स्पष्टता नहीं आता है। तो वो बोल रहा है ना कि हिंदी में हम लोग स्पष्ट लिख पाते हैं, इंग्लिश में हम लोग रोमन में स्पष्ट लिखते हैं, तो हम लोग बोला कि उससे फर बेटर आपका ओलचिकी है। अब ओलचिकी हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि ओलचिकी में यहाँ पर केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई हो, जिसको पढ़ना है उसे अच्छा से पढ़े, पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, काहे कि हर राज्य यदि बनता है तो भाषा और संस्कृति के आधार पर क्रिएट होता है। अब यहाँ झारखंड में भले दुर्भाग्य है वो सब नहीं लागू हुआ है, लेकिन उड़ीसा बना उड़िया के लिए, उड़िया भाषा को प्राथमिकता दी गई है, तो हम झारखंड में बहुल भाषा में है ना, बहुल भाषावली, भाषा बोलने वाले संथाली भाषा बोलने वाले ज़्यादा है, तो संथाली भाषा ही लागू होगा, दूसरा भाषा को हम लोग किसी को नज़रअंदाज या उसका हम लोग तिरस्कार या हम लोग बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, अपमान नहीं करेंगे, सबका भाषा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये जो अपने ही लोग जो इस तरह का कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड है बोल के पता चला, इनपुट डाला जा रहा है कि भाई ये तो उड़ीसा का था, हम लोग झारखंड में क्यों, कुछ लोगों का हमने इस तरह का जब हम देख रहे थे बयान, तो नहीं लगता है कि इस तरह की बातें करके एक बांटने का, जो आपने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का स्वार्थ और षड्यंत्र का हिस्सा है। ये देखिए, राजनीति का तो षड्यंत्र है ही, दूसरी बात ये पता चलता है कि इतना नासमझ अपने आप को बता रहे हैं कि मैं बहुत बुड़बक हूँ, मैं बुड़बक शब्द इसको व्यवहार में ला रहा हूँ, कि ये इतना मूर्ख लड़का लोग है, पता नहीं कैसे स्कॉलर स्टूडेंट है, पीएचडी कर रहा है, मैं इचोड़ी होता है ना, सबको फेल कर देता है ये लोग को, ये लोगों को कोई भी भाषा संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है, बोलता है। कल मैं एक ट्राइब्स टीवी में देख रहा था, एक सुनील मुर्मू का इंटरव्यू देख रहा था, लेदे मुर्मू एंकर थे, तो उनको पूछ रहा है कि आपको क्या दिक्कत है, नहीं बोलता है कि देवनागरी में जितना स्पष्टता लिख पाते हैं, जैसे पानी को दा बोलते हैं हम लोग, तो दा नहीं लिख पाते हैं, तो बोलता है कि आपको पता ही नहीं है, दा जो है ना केवल ओलचिकी से ही दा लिख सकते हैं, हिंदी में यदि दा लिखना चाहेंगे ना तो दाग लिख जाएंगे, दाग लिखाएगा। तो ये चीज़ आप नहीं जानते हैं तो बहस में नहीं आना चाहिए, और ये लोग जो आज ये लोग हरकत कर रहे हैं, ये मूर्खता वाली परिचय दे रहे हैं, ये अपने आप को सोच रहा है ना, हम ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए तो बड़ा बुद्धिजीवी है, ना ना गलत बात है, जो ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद ये लोग अपना हमको जो है, हम प्राकृतिक पुजारी लोग को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, और रोम का जो धर्म और रोम का जो भाषा, रोमन भाषा को ये लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, इससे ये प्रतीक हो रहा है। और कहीं ये डर तो नहीं है, इसलिए कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों ने डिलिस्टिंग का सवाल उठाया, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, कि भाई या तो आप वापस आइए या तो आपको हम ये आदिवासी नहीं मानते हैं, तो उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए या ये कोशिश भी तो हो सकती है, जो डिलिस्टिंग का मुद्दा, डिलिस्टिंग का तो उठा रहा है, बहुत दिन से उठा रहे थे, ये तो नया है अभी, ओलचिकी का विरोध उससे अलग है, यदि ओलचिकी ऐसे ही विरोध करते रहेंगे ना तो डिलिस्टिंग वाला को मौका मिलेगा, और वो भी अपनी मांग को, वो अपनी मांग जो है ना और मजबूत से उठाएंगे और बोलेगा कि ये आदिवासी का कोई इसमें गुण नहीं है, इनको हटाया जाए जल्दी से। तो अपने हटने के लिए ये लोग जो खुरापति कर रहे हैं ना, अपने आप हटेंगे 342 के तहत, 342 का ये वॉयलेशन हो रहा है, इनको पता ही नहीं है, इसको संविधान पढ़े ये चीज़।
आप स्कॉलर हो तो पढ़े आप लोग, दुमका के जो लोग विरोध कर रहे हैं संविधान बढ़िया से स्टडी कर ले, और नहीं तो सब लोग आप जो ना डीलिस्टिंग के लिस्ट में आएंगे उस दिन आप लोग पछताएंगे और माँ बाप आप लोग को डांडा मारेगा, यही हो सकता है। तो आप सुन रहे थे, कृष्णा हंसदा थे और पढ़े लिखे लोग हैं और समाज के जो संस्कृति है, भाषा है, उसको लेकर हालांकि एक तरह से गर्व की बात होना चाहिए कि जिस भाषा, जिस लिपि को संविधान ने 2003 में मान्यता दे दी और जिसको लेकर दुनिया भर में आपने देखा कि आज कंप्यूटर के अंदर भी वो संताली का आप कोडिंग अगर चाहिए तो आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मतलब हर तरह से एक, तो उस भाषा को समृद्ध करना चाहिए, इसलिए कि वो ट्राइबल और संथाली समाज से जुड़ा है, बल्कि आप उसके विरोध, अगर आपको समझ में नहीं है तो आप उसके विरोध नहीं कर सकते, आप जहाँ जिस भाषा में कंफर्टेबल है उसी में आप बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं, लेकिन आप दूसरे को नीचे नहीं दिखा सकते। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।